हालांकि कोरोना संक्रमण के कारण इस बार प्रत्याशियों को बिना दल बल के नामांकन करना पड़ रहा है। इस चुनावी महासंग्राम में एक और आरोप प्रत्यारोपों की जुबानी जंग जारी है, वहीं दूसरी ओर दल बदलू नेता निजी हित में पार्टियां बदल रहे हैं। कुछ दिन पहले जो नेता दूसरे दलों पर गंभीर आरोप लगाते थे, आज वही नेता उसी पार्टी में शामिल होकर उसी का महिमा मंडन कर रहे हैं। एक तरफ सभी राजनीतिक पार्टियां वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए लोक लुभावने वादे कर रही हैं, मुख्य विपक्षी पार्टी ने जहां अपने चुनावी नारे का चार धाम चार काम नाम दिया है, जिसमे गैस सिलेंडर 500 से कम, 4 लाख युवाओं को रोजगार, 5 लाख परिवारों को सालाना 40,000 रुपए और स्वास्थ्य सेवाएं हर गांव हर द्वार पहुंचने का वादा किया है। जब हम चार धाम चार काम की बात करते हैं ना साथियों, तो ये चार धाम चार काम है ना, ये अचानक से नहीं बने। इसको बनाने में क्या क्या काम हुआ है उसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये चार धाम चार काम 6 महीने का प्रोसेस था। हर ब्लॉक लेवल पर हमारे कार्यकर्ता गए, लोगों से उनकी परेशानियों के बारे में पूछा, उन परेशानियों को इंगित किया, फिर चार जो कॉमन इश्यूज थे उनके बारे में विचार विमर्श हुआ। हमारे यहाँ के नेता बैठे, उन नेताओं ने अपनी स्टेट लीडरशिप ने अपनी रिपोर्ट सेंट्रल को दी, सेंटर के लोग बैठे, उसके बाद देश के नामचीन अर्थशास्त्री और नामचीन पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स की राय ली गई, उसके पश्चात दुनिया के नोबेल लॉरिएट से बात की गई कि जो हम सोच रहे हैं क्या वो हम कर सकते हैं, क्या उत्तराखंड के बजट में इतनी गुंजाइश है कि जो हम सोच रहे हैं जो हम वादे कर रहे हैं क्या हम वो सब चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद जो हम बोले वो काम हम आपके सामने लेके आए। हम चाहते तो ये बोल देते ना कि 40,000 की जगह 1 लाख रुपए देंगे। वही सत्ताधारी पार्टी भाजपा इस बार भी केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं के भरोसे जनता से वोट मांग रही है। देखिए, कांग्रेस ने अपना 10 साल का जो शासन काल था उसमें उससे 4 काम नहीं हुए, जो सिर्फ 4 काम की याद आ रही है। जब वो सत्ता में होते हैं तो केवल खनन का काम उन्हें ध्यान आता है, केवल भ्रष्टाचार करना आता है, और केवल आंखें बंद कर लूंगा और 25-25 लाख रुपए दे देना ये उन्हें याद रहता है। काम वो कोई नहीं करते। अगर काम किया होता तो आज 4 काम ना गिनाने पड़ते। भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्ष तक उत्तराखंड में विकास के अभूतपूर्व कार्य किए और उसके दम पर हम चुनाव में जा रहे हैं, और उत्तराखंड की जनता लगातार 5 वर्षों में जो भी चुनाव हुए आपने देखा उसमें हमें पूर्ण बहुमत दिया, अपना आशीर्वाद दिया। उसी प्रकार 2022 में भी उत्तराखंड की देवतुल्य जनता भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देने जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। राज्य की जनता ने अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जनता के विश्वास को बनाए रखा है, और मोदी जी और केंद्र सरकार की जो योजनाएं राज्य में चली है उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। तो राज्य की विकास योजनाएं, केंद्र की विकास योजनाएं, सब मिलकर आगे काम करेंगे। और मोदी जी तो हमारे ही नेता हैं, हमारे ही भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनका नाम भी काम आने वाला है। और उत्तराखंड राज्य से उनका लगातार लगाव बना हुआ है, राज्य की वो चिंता करते हैं, तो हम ही जीतने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी ही सरकार बनाएगी। कांग्रेस और भाजपा के अलावा इस बार चुनावी रण में आम आदमी पार्टी भी है, जो 70 विधानसभा सीटों पर दोनों पक्ष और विपक्ष के उम्मीदवारों की गणित खराब करने में जुटी हुई है। हालांकि अभी तक की रिपोर्ट में यही कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी इस बार के चुनाव में कोई प्रभाव नहीं दिखा पाएगी, लेकिन क्षेत्रीय पार्टी UKD कुछ सीटों पर जमकर मेहनत करे तो इस बार फिर से UKD का खाता खुल सकता है। उत्तराखंड की फिजाओं में भले ही कुछ दिनों से लगातार बारिश और बर्फबारी के कारण शीतलहर चल रही हो, लेकिन जैसे जैसे मतदान की तिथि नजदीक आ रही है सियासी पारा लगातार गर्म हो रहा है। भाजपा और कांग्रेस दोनों में उत्तराखंड में किस दल की सरकार बनेगी यह कहना अभी से जल्दबाजी होगा, लेकिन जिस तरह से यहाँ का मतदाता स्पष्ट तौर पर ज्यादा कुछ नहीं कह रहा उससे साफ पता चलता है कि यह तूफान आने से पहले की खामोशी हो सकती है। बहरहाल इस सियासी तूफान में किसकी नैया पार लगेगी और किसकी नैया डूबेगी इसका फैसला 10 मार्च को होगा, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में सीटों का अंतर बहुत कम रहेगा। भानु प्रकाश नेगी, हिमपन प्रदेश न्यूज, देहरादून।